अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो ये रास्ते देखें, कहाँ के हैं ये रास्ते, कहाँ को जा रहा है ये सफ़र और इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी रात को। सो मैंने अपना वादा पूरा किया। जैसा कि आप सब जानते हो, इंस्टा पे मैंने अपनी एनिवर्सरी की सारी पोस्ट डाली थी, वीडियोस डाली थी, तो आप लोग के बहुत डीएम्स आए थे कि प्लीज़ उसका व्लॉग शेयर करें, पूरा दिखाएं कहाँ गई थी, क्या किया था, क्या सरप्राइज़ मिला था। सो फाइनली आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि डिलीट वीडियो में ये चला गया था व्लॉग, दोबारा से मेहनत कर रही हूँ, जितनी भी क्लिप्स मिल चुकी हैं उसमें से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, वरना वो जो मैंने एडिट करा था वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग था और वो काफ़ी पूरा था, मतलब सारी चीज़ें उसमें थी। चलो सो ये भी कोई छोटा नहीं है, 20 मिनट का आएगा, 19-20 मिनट का है ये व्लॉग। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ना ऐसा करना है कि मिस नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, बहुत ही मज़े का व्लॉग है, बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। कुछ हो सकता है सारे हस्बैंड्स को इससे कुछ आइडिए मिल जाएं। सो हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, मुनाल पहुंच चुके हैं। आप लोग देख के पहचान तो गए होंगे। सो पहली बार है कि मैं यहाँ मुनाल जा रही हूँ, बस ये हम पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में उतरते हैं। ओके जी, सो ये आप मेरी तैयारी देख सकते हो। यहाँ पर बहुत 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 ठंड है यार, ज़बरदस्त ठंड है। सो बस एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मुझे सुबह बोला कि हम लोगों की फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो बस जो मेरे पास कपड़े थे मैंने बोला हाँ, ऐसे कैसे भाई, कोई ना पैकिंग ना कुछ। उन्होंने बोला कोई हम 10 साल के लिए नहीं जा रहे, ना 10 दिन के लिए, सिर्फ हम सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। सो आई वॉज लाइक अच्छा ऐसा सीन है। तो मैं तैयार हुई, चेंज किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और ये आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरी खुशी ऐसी थी क्योंकि मैं बहुत सैड हो गई थी, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं हुई थी पहले। माशाल्लाह आप लोगों ने देखा था जो दो दरिया पे सेलिब्रेट हुई थी, और उसके बाद भी काफ़ी सेलिब्रेशन चली थी, लेकिन इस साल कुछ नहीं हम कर पाए थे ना, नॉर्मली हमने घर में तो कर ली थी। तो ये था मेरा सरप्राइज़ कि ये लोग मुझे लेकर आए यहाँ पर। और जी हम पहुँच चुके हैं, आप लोग देख रहे हो, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मुनाल, मतलब लाइक OMG, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मज़ा आया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी खूबसूरत जगहें आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की। क्या खाया, कैसे केक कट किया, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये देख ही रहे हो, अभी हम लोग बस जा रहे हैं। हमारी सीट्स वगैरह पहले से रिज़र्व थी, हमने पहले से सारी बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी और सारी चीज़ें हमारी पहले से हुई हुई थी, तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि सिर्फ आना, खाना और फिर वापस चले जाना। सो बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को, अच्छा मुझे बार बार वो व्लॉग याद आता रहता, उसमें काफ़ी बार मैंने चीज़ें बताई थी। तो यार बहुत ही प्यारा इन्वायरमेंट आप सामने देख रहे हो, मतलब इतना प्यारा मंज़र। हम दो दरिया अक्सर जाते हैं लेकिन वहाँ का ऐसा भी मंज़र नहीं होता है ना यार, देखो लाइट ही लाइट और पहाड़ों पे बना हुआ ये मुनाल, मुझे बहुत पसंद था। शुरू से मैं देखती थी लोग जाते हैं, पहले बहुत पहले जब हम लोग आए थे पाकिस्तान टूर पे, लेकिन हम यहाँ पर विज़िट नहीं कर पाए थे। तो फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो मुझे ले आए हैं और यहाँ मैं आप लोगों को पूरा सारा दिखा रही थी कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। और यस यार हमने इन्जॉय किया काफ़ी, केक शेक काटा। और ये हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत 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 क्लास की सर्दी थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है अभी, इसमें आपको शायद इतना फील ना हो रहा हो। पीछे एक्चुअली म्यूज़िक चल रहा था तो उसकी वजह से आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है, वरना अगर आपको मैं दिखाती ना वहाँ की सारी चीज़ें जो मैं बातें शातें कर रही थी तो और आप लोगों ने ना मज़ा आ जाना था। सो यस अभी हम लोग आई गेस अपना ऑर्डर दे चुके हैं, हाँ हमने शायद अपना ऑर्डर दे दिया है। और मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से ना थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ क्योंकि हमारी रिटर्न फ्लाइट सेम डे थी तो हमें वापस आना था, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं था। सो यस ये आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ही यार ज़बरदस्त सरप्राइज़ था लाइफ का ऐसा। अच्छा ये मेरा जो है ना ये नेकलेस सेट ही नहीं हो रहा था, मैं इसको बोल रही थी। अच्छा मतलब जो कपड़े मिले उस वक्त मुझे वो मैंने पहन लिया, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कुछ स्पेशल पहनती, कुछ यू नो कुछ ड्रेस इस टाइप का पहनती, कुछ मैक्सी स्टाइल या कुछ भी इस तरह, लेकिन वहाँ पर ऐसा सीन भी नहीं था, बस सिर्फ ऐसा था कि जाना आना है। तो बस जो मुझे मिला जैकेट वैकेट लेकर मैंने ये ब्लैक हाईनेक पहन ली थी, फिर थोड़ा सा मैंने इस पर, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था,
ये नेकलेस मैंने पहन लिया, कुछ इयर रिंग मैंने पहन लिए थे एंड ये मेरा नेकलेस सेट ही नहीं हो रहा था। मैं बोल रही थी यार इसको थोड़ा सा टाइट कर दो, टाइट कर दो, टाइट कर दो। सो यस, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताओ, जो जो इस्लामाबाद से देख रहे हैं या जो कराची के लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया आप लोगों का मनाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और मतलब यस कैसा रहा था एक्सपीरियंस, आप लोगों को कैसा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ना फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके, मैं तो पागल दीवानी हो गई। एंड दोबारा से मैं कह रही थी कि यार हम जब भी पाकिस्तान टूर करेंगे ना दोबारा से इंशाल्लाह तो हम लाजमी जाएंगे। हम पहले क्योंकि मिस कर गए थे ये चीज़। एंड हैप्पी एनिवर्सरी। सो यस जनाब, सो यहाँ पर हमने अपना केक कट किया और बहुत ही क्यूट प्यारा सा वो आइसक्रीम पेस्ट्री वाला केक था। एंड और क्या चाहिए लाइफ में यार, माशाल्लाह माशाल्लाह से थैंक यू सो मच। अगर ये काशिफ वीडियो देखें, लेकिन मुझे पता है वो नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, मेरे कोई व्लॉग वो नहीं देखते हैं। सो यस थैंक यू यार इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए, कुछ अलग हो गया क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ कुछ डिफरेंट हो, तो ये कुछ डिफरेंट ही था मेरे लिए। एंड ये देखिए जी, बस मतलब मैं पागल हो गई थी, बस पिक्चर्स ले रही थी, वीडियोस बना रही थी, क्योंकि बहुत कम टाइम था तो मैंने कहा यार ज़्यादा से ज़्यादा ना ज़रा मैं देख शेख लूँ कि क्या सीन है। सो यस इसके एंड बस अभी यहाँ पर मैं बोल रही थी हमारे साथ था, मतलब खिला दो, उन्होंने ही सारी चीज़ें हमारी अरेंज की थी, हमें एयरपोर्ट से गाड़ी ने पिक किया था, एयरपोर्ट में हमें ड्रॉप कर दिया था, यहाँ पे हमारी सीट सारी रिजर्व करवा दी थी, इसके अलावा हमारा केक और बाकी दूसरी चीज़ें सब इन्होंने अरेंज किया था। बहुत ही आला एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ DM पे शेयर कर दूंगी, इंस्टा पे या यहीं पर। हैप्पी एनिवर्सरी। ओके जी, सो केक हमने कट कर लिया है हमारी एनिवर्सरी का, और माशाल्लाह इट्स आवर सेकेंड एनिवर्सरी, और कैसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। एंड यस, सो ये बड़ा यादगार हमारा डिनर होगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज का। और बस थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट है तो हम घर पे होंगे थोड़ी देर में। सो आई जस्ट लव दिस एक्सपीरियंस कि सुबह आप आ गए और रात में आप चले गए, ऐसा वाला सीन मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था, बट इट्स लवली क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है स्पेशली इनके पास कि हम कुछ दिनों के लिए आ सकें, तो सुबह और रात में चले जाओ, नॉट बैड। तो फिर यस उरूज, कैसा लगा आपको सरप्राइज जो काशिफ भाई ने दिया? बहुत ही अच्छा लगा। सुबह एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला कि तैयार हो जाओ हम कहीं जा रहे हैं, एंड उसके बाद हम एयरपोर्ट आ गए, उसके बाद हम यहाँ आ गए और अभी हमारी रिटर्न फ्लाइट है। मतलब नॉट बैड, बहुत कैसे आया आपके दिमाग में ये आइडिया? कि आप तारीफ़ सुन नहीं सकते थे क्योंकि सारी फेक तारीफ़ें हो रही थी, इसमें सच्ची में कोई भी तारीफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा म्यूट कर देते हैं, आप लोग बोलोगे ये क्या है यार। आई होप उरूज अब तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे कोई शिकवा नहीं होगा, वरना ये हमेशा जो है वो अपनी बर्थडे वाले दिन मतलब एक ही डेट्स में ना, जैसे नवंबर में ही बर्थडे और एनिवर्सरी, निकाह एनिवर्सरी नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ताकि अलग अलग सेलिब्रेशन कर सकें आप। बच्चा का तो हर जगह म्यूज़िक चल रहा होता है ना, उसकी वजह से वॉइस ओवर करना होता है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार, शिट। एनी, सो आप हमें बताएंगी कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ ये कैसे आया? मैं बता दूँ, ऐसे आया कि उरूज की हर बर्थडे पे उरूज को आप सरप्राइज़ दे दो या उसकी पसंद की भी चीज़ दे दो, उसको खुशी नहीं होती, उसको पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ नया करो कुछ नया करो। तो इस बार हमने ऐसा नया कर दिया कि उरूज खुद परेशान हो गई कि वो ये क्या किया और क्यों किया। गुड आइडिया, गुड आइडिया, ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद धन्यवाद। एंड यस, यहाँ पर मैं ज़रा देख रही थी, मैंने कहा यार मतलब अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ के आप मतलब इतने अच्छे हैं कि आपने मेरी एनिवर्सरी यहाँ करवा दी। मतलब ये तो सब अल्लाह ताला करवाते हैं ना, और ये मैं ना आंखें बंद करके फील कर रही थी और मैं थैंक यू बोल रही थी अल्लाह ताला को, इनको भी सबको बोल रही थी, आप लोगों का भी थैंक यू कि आप लोग देखते हो। बड़ा अच्छा फील हो रहा था, मतलब थोड़ा स्पेशल फील हो रहा था मुझे और मज़ा आ रहा था। यहाँ हमारा फाइनली डिनर आ चुका है, मैंने एज़ यूजुअल स्टेक मंगवाया था, स्टेक पास्ता से तो हम बाहर कभी निकलते ही नहीं हैं, सो चिकन स्टेक मंगवाया था हमने, उसके साथ हमने पास्ता मंगवाया था और इन्होंने एक प्लेटर मंगवाया था जिसमें पता नहीं क्या क्या, मटन, बीफ, चिकन, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें थी। क्वान्टिटी
सूप तो मेरा होता ही है ना, वो तो हॉट एंड सॉर सूप होता ही है। क्वांटिटी माशाल्लाह खाने की इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी थी कि हम लोग बहुत थोड़ा सा ही हमने खाया था। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और मतलब हमने सही से खाया था, पेट भर के खाया था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी यार पास्ते वास्ते की। ये सारा आप देख रहे हो ना, ये इसमें इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ी वाली ट्रे थी। और यस, टेस्ट तो आप लोग जानते ही हो मुनाल का, मतलब ऐसा है कि जैसे दो दरिया पे हम लोग खाते हैं, कबाब चीज हो गया, कलाची हो गया, इनका आपको टेस्ट पता है कि होता ही इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। सो इसी तरह का यहाँ का था, या कह लो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा था। और बाकी जगह तो है ही ज़बरदस्त, आप इंडोर भी है आउटडोर भी है, जैसा आप लोग चाहो, लेकिन आजकल के वेदर के हिसाब से लोग यहाँ पर ज़्यादा बैठ रहे थे। और सर्दी में ये था, हीटर वीटर चल रहा था, आप आराम से उसके करीब बैठ सकते हो। यहाँ मैं बिल्कुल गरीबों की तरह ठूस रही हूँ और आप लोगों को भी पूछ रही हूँ कि थोड़ा सा सूप आप लोग भी पी लो, बोलो कि क्या बकवास है। सो कहीं पे भी जाऊँ, सूप तो आपको पता ही है मेरी जान है, मैं तो हर वक्त सूप ही पीती रहती हूँ बस, और कोई ज़िंदगी में काम नहीं है। यार मैं इतनी प्यारी नहीं लग रही हूँ, कमेंट्स में बताना मैं अच्छी प्यारी लग रही हूँ या नहीं। यहाँ मैं पूछ रही हूँ, मेरा दिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ, थोड़ा सा सूप पी लो, लेकिन कोई भी नहीं पिएगा। अच्छा, सो मैं इतनी प्यारी नहीं लग रही, मुझे अगर पहले पता होता ना कुछ ड्रेसिंग मतलब इस तरह की करती, मैं कुछ और शशके वाले कर सकती थी। मतलब उस वक्त तो मुझे जो मिला वो मैंने पहन लिया ना, आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ कि मैं नहीं लग रही। और मुझे कमेंट्स में एनिवर्सरी विश भी कर देना। इट्स अ ओल्ड व्लॉग, मेरी एनिवर्सरी इस मंथ में नहीं है, कौन बताएगा मेरी एनिवर्सरी किस मंथ में है, किसी को याद है? पोस्ट डालती रहती हूँ, इंस्टाग्राम वालों को शायद हो सकता है पता हो, क्योंकि वहाँ पर मैं, आप लोग मुझे ना इंस्टा पे भी फॉलो कर लो अच्छा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ और अपना सारी चीज़ें सारी अपडेट जो है वो इंस्टा पे दे रही होती हूँ। और बस यार, टेस्ट मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया बहुत ही अच्छा था। इस्लामाबाद यार मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा साफ़ सुथरा। पहले भी मैं जा चुकी हूँ, हमने पहले शादी के बाद पाकिस्तान टूर किया था, तो बड़ा हमने मज़ा किया था, इन्जॉय किया था। तो अभी जो है ना मेरा बड़ा सीन है, बहुत बहुत मेरा दिल चाहता है कि अब जो है ना टर्की जाऊँ मैं। मतलब हो गया, अभी दुबई भी हमने देख लिया है, बाकी पाकिस्तान टूर तो हो ही गया है, यहाँ तो आना जाना रहता है, लेकिन ना अब मुझे टर्की जाना है, मुझे बहुत दिल है टर्की जाने का। हमें जाना भी था यार न्यू ईयर पे, लेकिन बस अभी थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहले ऐसा था कि हम अकेले थे तो कहीं पर भी निकल गए, अभी बेबी के साथ बहुत सारी चीज़ें लाइनअप करनी पड़ती हैं। एंड येस, सो आई विश कि मैं सोन जाऊँ, और बड़ा दिल करता है मेरा, ऐसा भी दिल होता है कि ना फ्रेंड्स के साथ जाऊँ या फिर ना हम तीनों सिस्टर्स निकल जाएं अकेले में, ऐसा दिल भी चाहता है। तो हो सकता है सोन हम ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ ही जाना हो। मतलब यार आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, शादी के बाद शादी कर ली बस अपना बंदा और अपने बंदे के साथ आपका जाना, नहीं यार आप अपना फैमिली के साथ भी जा सकते हो, जिनके साथ आपने इतने साल गुजारे, तो उनके साथ भी आपको अलग जाना चाहिए, सेपरेट जाना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने अपने हस्बैंड के साथ ही जाना है, तो फैमिली के साथ भी प्लान कर सकते हो। और यस, मज़ा आता है, तो आई विश कि हम अपनी फैमिली के साथ कुछ प्लान कर सकें, और मे बी हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हों। बस आप लोग को जो है ना देखते रहने व्लॉग्स, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। कौन है पापा? हाँ, खिलाना जरा सा इसको।
ओके गाइस, सो खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, डिनर बहुत ही आला था, बहुत ही मज़ा आया, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है वो निकलेंगे, बस ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है और मैं तो ऊपर ये हीटर के पास बैठी हूँ तो थोड़ा सा आसरा है, वरना मुझे ठंड बहुत लगती है। मेरी आवाज़ से आप लोग देख सकते हो, आवाज़ जो है वो मेरी जा चुकी है। और तबीयत से यहाँ केक और आइसक्रीम खा रहे हैं, ये नहीं है कि ज़रा सा बीवी को खिला दें। नहीं भाई, इन्हीं की एनिवर्सरी है, अलग ही आए हैं, मेरे साथ तो आए ही नहीं है। केक भी है जी, केक नहीं, आइसक्रीम। A few moments later. आप लोगों को इस व्लॉग में मजा आया क्योंकि मेरा अब तक का सबसे बेस्ट व्लॉग है अकॉर्डिंग टू मी। Three hours later. मैं तो बोल रही थी भाई कि जो भी बचा है ना पार्सल करवा लो, लेकिन उन्होंने बोला नो, बिल्कुल भी ना, नहीं, जो है बस खा लो, जो बचा है वो छोड़ दो। इतना मज़े का खाना था यार, पार्सल करवा लेते तो क्या हो जाता, क्या कोई हमें फ्लाइट में रोक देता। बट उन्होंने बोला नहीं बहन, खा लो, मतलब बीवी खा लो सारा कुछ। सो हम आपस में बातें कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे यार कि कुछ नया नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, और बड़ा ही हमारा दिल हो रहा था कि यार अभी हम यहाँ पर आए हैं, काश हम लोग और थोड़ा सा रुक जाते। तो यस, यही सारी बातें चल रही थी और हम लोग याद कर रहे थे वो वक्त जब हमारी शादी हो रही थी, और यू नो वो वाला टाइम आपको याद आता है, बस अब थोड़ा सा ही उसी दिन ही याद आता है, वरना तो फिर आपको जो आपकी ज़िंदगी चल रही होती है ना मज़े की, उसमें ही आप मज़े कर रहे होते हो बस माशाल्लाह से। सो बस जल्दी जल्दी मैं जितना खा सकती थी पी सकती थी ना मैं वो कर रही थी, और यस यार मतलब फुल ऑफ एंजॉय वाला सीन हो गया। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना आप लोग को देख के कैसा लगा, मेरे तो आंखों से ये मंजर ही नहीं जाता माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत नेमतें हैं यार, कितनी खूबसूरत नेमतें हैं, मैं क्या बताऊँ आपको यार, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे मंजर हैं। तो ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो इस वीडियो को 1000 लाइक्स चाहिए मुझे, एंड यस शेयर कीजिएगा और रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। बस यार इसके बाद खाना खत्म, क्या बोलते हैं, खाना खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसा हजम वाला सीन था, और मैं बोल रही थी नहीं मुझे वापस नहीं जाना, यहीं छोड़ दो मुझे, मत लेके जाओ। तो बस अब हम लोग वापसी की तैयारी में हैं, और क्या बोलें अभी, मतलब खूब इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक यादगार बोल सकते हैं कि दिन गुजरा है माशाल्लाह से, एंड इन्जॉय वाला सीन हो गया ये ओके की रिपोर्ट वाला। अब वॉइस का सीन ऑफ हो चुका है, वरना मैं आप लोगों को इतना बोर करके वॉइस ओवर नहीं देती यार। देखो मंजर, खूब सामने चाइनीज़ चुइनीज़ बैठे हुए खा रहे थे, पी रहे थे खूब, कुछ टूरिस्ट भी आए हुए थे आई गेस, हाँ काफ़ी इतना, क्योंकि हम लोगों का सीन ये था कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी गए थे, वापसी का सीन क्योंकि हमारा था, तो इस वजह से मतलब रश इतना नहीं था। डे तो मैं भूल गई यार, मुझे तो दिन ही याद नहीं है किस दिन हम लोग गए थे। वेल सो यस यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यादगार, बहुत ही प्यारा सा दिन गुजरा हमारा, और जो है खूब इंजॉय शिंजॉय हो गया। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी, गाड़ी में बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट जाएंगे, देन उसके बाद वापस कराची। सो आई होप आप लोग को ना पसंद आई ये व्लॉग, आप लोग मुझे लाजमी बताना अच्छा कौन कौन मनाल पे विजिट कर चुका है और कैसा लगा आप लोगों को वहाँ का खाना, तो ये भी मुझे लाजमी बताना अच्छा। और प्लीज़ यार एक मिनट लगेगा, प्लीज़ हैप्पी एनिवर्सरी तो बोल ही सकते हो, या हैप्पी बर्थडे बोल दो, पुराना है तो क्या हुआ, इतनी मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए वो व्लॉग एडिट करा, मैंने कहा यार मुझे शो तो मारनी है ना, लाजमी मारनी है, मैं पैदा ही इसके लिए हुई हूँ। सो ये सारा ही शो वो मार लिया, अब बहुत हो गया, अल्लाह हाफिज़, टाटा।